नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले टूल्स पैलेट पे जाके क्लोन स्टैम्प टूल पे राइट क्लिक करके पैटर्न स्टैम्प टूल सिलेक्ट करते हैं। यहाँ इस बैकग्राउंड लेयर की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। यहाँ पे ये पैटर्न पिकर बॉक्स है, इसे यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी मनचाही पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्री कैटेगरी में जाके इसे सिलेक्ट करते हैं। अब इसे इस डॉक्यूमेंट पे पेंट कर देते हैं। यहाँ पे ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। इसके लिए राइट स्क्वायर ब्रैकेट को बारी बारी प्रेस करेंगे इस तरह से। अब इसे पूरे डॉक्यूमेंट पे अच्छी तरह से पेंट कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी पैटर्न क्रिएट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी पैटर्न सिलेक्ट करके दूसरी इमेज भी तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम कस्टम पैटर्न ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सनफ्लावर इमेज है, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं। इसके लिए एप्लीकेशंस बार में इमेज में जाएंगे और इमेज साइज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे विड्थ 2 सेंटीमीटर एंटर कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब एप्लीकेशंस बार पे एडिट में जाएंगे और डिफाइन पैटर्न ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसके साथ ही सनफ्लावर की ये इमेज पैटर्न पिकर बॉक्स में ऐड हो जाएगी। अब इस कस्टम पैटर्न को सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट को पेंट करेंगे इस तरह से। अब ऑप्शंस बार में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, अलाइन। यहाँ पे ये डिफॉल्ट ही टिक होता है। अब अगर हम इसे अनटिक कर देते हैं और यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करते हैं और बीच में रुक कर फिर से वहीं से ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सब मिक्सअप हो गया है। इसे अंडू कर देते हैं। अब अगर हम इस अलाइन ऑप्शन को टिक रखते हुए पैटर्न को ड्रॉ करते हैं और बीच में रुक कर फिर से ड्रॉ करते हैं, तो दोबारा जो पैटर्न ड्रॉ करते हैं वो पहले वाली पैटर्न के साथ अलाइन हो जाती है इस तरह से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।